दोस्तों आज हम लगाएंगे ब्लू स्टार का इंडोर और हिटाची का आउटडोर। दोस्तों बेसिकली ये एसी हिटाची कंपनी का था, लेकिन इसके इंडोर ख़राब हो रहा था और न्यू इंस्टॉलेशन नई जगह पे ये लगना था, तो इस वजह से हमने क्या किया, इसका ब्लू स्टार का इंडोर नया मंगा कर और ब्लू स्टार का इंडोर नीचे लगा देंगे और जो आउटडोर है इसका वो इसका ऊपर लगा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लू स्टार की पैकेजिंग काफ़ी कमाल आई है। आप देख सकते हैं रिमोट के लिए ये सिंबल है कि अंदर इसके रिमोट रखा हुआ है। तो ये मेरा बॉक्स है ब्लू स्टार का जो इंडोर आया है, इसे हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसे इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इंडोर अंदर निकलता है, जो कि ब्लू स्टार का अलग से अटैचमेंट कर सकते हैं हम। अगर किसी का भी नॉन इन्वर्टर एसी है तो ये नॉन इन्वर्टर एसी सारों पे काम करेगा ये इंडोर। तो ब्लू स्टार की और भी ब्रांड के इंडोर आते हैं, लेकिन ब्लू स्टार की क्वालिटी अभी बेस्ट है। तो देखिए हमने डब्बे को खोल दिया है और सबसे पहले हमारा ये रिमोट मिल जाता है, जो हमें मैनुअल गाइड के साथ तो सब कुछ इसके अंदर मिलता है, इस पाउच के अंदर आप देख सकते हैं। तो इसे हम रखते हैं साइड में। तो चलिए हम इसकी प्लेट निकालते हैं और एसी को करते हैं इंस्टॉल। तो देखिए दोस्तों हमने इसकी प्लेट को लगा दिया है और इसके फ्लेयर नट नाप कर काट कर इसे बना लिए हैं। आप बताइए हमें कमेंट में कि आपको फ्लेयर कैसे लगे हमारे बने हुए, क्योंकि दोस्तों हमारे पास कैमरा मैन नहीं था तो इसलिए हम प्लेट लगाते पे इसकी वीडियोस नहीं बना पाए। तो इंडोर की प्लेट तो हमने लगा दी है, तो चलिए अब चलते हैं हम आउटडोर पर, जहाँ आउटडोर का स्टैंड लगाएंगे। तो गाइस ये आउटडोर है और ये पाइप निकले हुए हैं, तो हम यहाँ पर एक स्टैंड हमने लगा दिया, तो हम यहाँ पर छेद कर रहे हैं। तो दोस्तों इधर भी हॉल हो चुके हैं, अब हम फास्टनर लगाकर स्टैंड भी लगा लेते हैं। ये स्टैंड है जो तो ये टॉप फ्लोर है इनका, तो दोस्तों ये कम से कम 40 फीट की दूरी पर लग रहा है इंडोर से आउटडोर, तो हम इसे फास्टनर लगा के फटाफट इसमें भी स्टैंड कस लेते हैं। तो दोनों स्टैंड हमारे लग चुके हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों धूप काफी तेज हो रही है। तो दोस्तों हमारा आउटडोर लग चुका है और अब हमने ये फ्लेयर को भी बना लिया है दोस्तों।
इसके अंदर हाफ की पाइप पड़ी हुई है और 5.8 का फ्लेयर चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर 5.8 का वॉल लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इस फ्लेयरिंग टूल में ये प्रॉब्लम है। मैंने 5.8 का फ्लेयर बनाया और थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना दिया है, तो मेरा फ्लेयर इससे निकल भी नहीं रहा है। तो दोस्तों, हमने पाइप के कनेक्शन करके और इसकी लीक टेस्ट कर ली है दोस्तों। तो लीक टेस्ट करने के बाद हम करेंगे इसकी पाइप ओवर पैकिंग, जो कि इंसुलेशन फॉर्म लगाकर ऊपर से टेपिंग करनी रहती है। तो दोस्तों, पैकिंग के बाद हमने एसी को ऑन कर लिया है और अब हम इसमें कर रहे हैं गैस रिफिल। तो दोस्तों, इसकी R22 गैस है, तो गैस का जो प्रेशर होता है रनिंग प्रेशर, वो 60 से 65 PSI होता है। तो हमें जो एसी चलते पे प्रेशर डालना है वो 60 से 65 डालना है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी गैस भी अब कंप्लीट पर चुकी है और कूलिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों, ये ब्लू स्टार का जो इंडोर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आ रहा है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते हैं और ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो ब्लू स्टार का एसी का रिमोट है, वो भी काफ़ी अच्छा दिखने में है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों, हमारा एसी अब परफेक्टली काम कर रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।